Welcome to Buying EduTech, and this is a continued class of the chapter number 2 in Hornbill. We are not afraid to die if we all can be together. ये चैप्टर हमने शुरू किया है. इसके चार पांच वीडियो लेक्चर्स अभी तक बन चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें इस चैप्टर के बैकग्राउंड के बारे में बताई हैं, जिसमें कैप्टन जेम्स कुक के बारे में मैंने बताया है. और मैंने फिर रिलेट किया कि कैप्टन जेम्स कुक के बारे में पढ़ना और उन्होंने जो किया था, जो अचीवमेंट हासिल किया था, उसके बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर सीधा सीधा रिलेटेड है. क्योंकि इस चैप्टर के एक ऑथर जो गॉर्डन कुक हैं, वो कैप्टन जेम्स कुक द्वारा किए गए काम को ही, अचीवमेंट को ही रिपीट करना चाहते थे, कॉपी करना चाहते थे. और वो काम क्या था, ये मैं हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वो काम था पूरे वर्ल्ड का एक राउंड लेना, एक सर्कल लेना, जर्नी थ्रू वाटर, पानी में ही सिर्फ जर्नी करना है और पूरे वर्ल्ड का एक चक्कर लगाना, जो कैप्टन जेम्स कुक ने किया था. कब किया था, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. गॉर्डन कुक जो इस चैप्टर के ऑथर्स में से एक हैं, या उनको जो पिक दिख रहा है उसमें गॉर्डन कुक हैं और एलन ईस्ट हैं, दोनों कैनेडियन हैं दोनों, मतलब कनाडा से बिलोंग करते हैं. कनाडा यूएसए का एक पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है कनाडा, वहां से बिलोंग करते हैं ये दोनों हमारे ऑथर्स जो हैं, गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट. उसके बाद गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे ऑथर्स हैं. गॉर्डन कुक के बारे में और एलन ईस्ट के बारे में, दोनों ऑथर्स के बारे में हमें कुछ उनके बेसिक बायोग्राफीज को जानना चाहिए, अपने ऑथर्स और पोएट्स के, जैसे उनका बर्थ ईयर होता है, बर्थ प्लेस होता है, उनके अचीवमेंट्स होते हैं, उनका प्रोफेशन होता है, अगर डेथ हो चुकी है तो उनका डेथ ईयर होता है. तो हमें ये सब ऑथर्स के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ना चाहिए. इससे क्वेश्चन हो सकता है कि ना पूछे, पर ऑथर के बारे में जानकारी लेने के बाद चैप्टर को पढ़ने में और उस समय समझने में बहुत हेल्प होता है. अगर आपको ऑथर्स के बारे में पूरी तरह से उनके बेसिक डिटेल्स पता हो तो हमारे पहले ऑथर जो गॉर्डन कुक है, उनका फोटो मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस वीडियोस में, और पूरे फैमिली के साथ दिखाया था. उनकी वाइफ भी थी, उनका बेटा था, उनकी बेटी थी. ये पिक मैं दिखा चुका हूं गॉर्डन कुक का. अब गॉर्डन कुक के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम लोग कवर कर रहे हैं, जैसे जिससे उनका बर्थ 3 दिसंबर 1978 कहां, टोरंटो में. टोरंटो जो है वो कनाडा में है, टोरंटो जो है वो कनाडा में है. और सीधा गॉर्डन कुक का प्रोफेशन यहां बता दिया गया,
प्रोफेशन, समझते हो, प्रोफेशन मतलब पेशा, जैसे बिजनेस करना या गवर्नमेंट जॉब करना या प्राइवेट जॉब करना या टीचिंग का काम करना, ये पेशा है। तो उनका जो पेशा था कि किस चीज से वो जुड़े हुए थे, वो यही बता दिया है फर्स्ट लाइन में ही कि वो सेलर थे। और सेलर वर्ड का मतलब मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं, सेलर किसको बोलते हैं, सेलिंग किसको बोलते हैं, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूं। और गॉर्डन कुक का जो यूनिकनेस है या उनकी जो आप अचीवमेंट बोल सकते हैं, गॉर्डन कुक का अचीवमेंट ये बताया गया कि उन्होंने अपने देश को 2 बार ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया है। और ओलंपिक्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ओलंपिक्स क्या होता है, सबको नाम सुना होगा ओलंपिक्स। तो उसमें सेलर के रूप में अपने देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं गॉर्डन कुक। और उसके बाद ये जानकारी लिया था हम लोगों ने कि वो रॉयल कैनेडियन याच क्लब, इस क्लब के लिए वो सेल करते थे, मतलब चलाते थे, इस क्लब के वो मेंबर थे, रॉयल कैनेडियन याच क्लब। और याच मैंने आपको बताया था कि याच जो है वो एक तरह का बोट है, उसको याच बोलते हैं, उसका पिक भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो उनका बर्थ टोरंटो कनाडा, एकदम कंप्लीट आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उनका प्रोफेशन क्या था या उनका अचीवमेंट क्या था कि वो एक सेलर थे बाय प्रोफेशन, और अचीवमेंट था कि 2 बार ओलंपिक में अपने देश को रिप्रेजेंट कर चुके थे कनाडा को। उसके बाद उनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी ये दिया गया कि कनाडा के रॉयल कैनेडियन याच क्लब के वो मेंबर थे। और रॉयल वर्ड के बारे में मैंने बताया था कि रॉयल वर्ड जो है ना वो राजा महाराजा के खानदान के साथ जुड़ता है। तो कनाडा में रॉयल कैनेडियन याच क्लब का मेंबर होना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जैसे बहुत सिंपल से एग्जांपल में अगर आपको मैं ये बोल दूं कि इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम जो है उसमें सेलेक्ट होना, उसमें खेलने के लिए सेलेक्ट होना एज अ बॉलर या एज अ बैट्समैन या एज अ कीपर या एज अ क्या बोलते हैं उसको, बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है, तो ये किसी के लिए भी बड़ा अचीवमेंट होगा कि इंडियन टीम में वो खेल रहा है, अपने देश का को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही कनाडा में रॉयल मतलब वहां का जो राजशाही खानदानी था, जो राजा महाराजा के जो खानदान के लोग थे, उनका बनाया हुआ क्लब के ये मेंबर थे, मतलब he was a member of Royal Canadian Yacht Club। ये वर्ड मैंने आपको बोला था कि याद रखिए, Royal Canadian Yacht Club। अब मैं आपको सबसे पहले मैंने आपको ये Royal Canadian Yacht Club जो है ना, जो नाम है उसका कुछ पिक्स आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि रॉयल कैनेडियन याच क्लब जो है वो एक्चुअली में क्या है। ये देखो, यहां आपको नजर आएगा, ये देख रहे हो,
इसको देख सकते हो पिक में, ये भी यही है रॉयल कैनेडियन याच क्लब का एक पार्ट है, इस तरह से बोट्स बने होते हैं इस तरह से, इसके ऊपर भी जाओगे देखो ये रहने का जगह है, ये बिल्डिंग देख रहे हो रहने का जगह है, ठीक है ये रहने का जगह है, ये देखो ये बोट्स हैं, फिर ये रहने का जगह है, तो ये देखो ये बिल्डिंग है रॉयल कैनेडियन याच क्लब, तो ये बेसिकली इसके बारे में मैं अगर आपको रॉयल कैनेडियन याच क्लब जो है ना वो हमारे यहाँ के हिसाब से अगर मैं समझाऊं आपको तो हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है क्या बोलते हैं उसको शादी घर बहुत सारे खुले हुए हैं स्पेशली, या वैसे प्लेसेस वैसे जगह जहां पे आप कोई भी सेलिब्रेशन या किसी तरह का गैदरिंग कर सकते हैं, वैसे जगह पे हम लोग जैसे जैसे शादी विवाह के लिए हम लोग का डिफरेंट डिफरेंट हर जगह पे जहां भी आप रहते होंगे शहर में देखिएगा कि बहुत सारे शादी घर होते हैं, एक शहर में बहुत सारे होते हैं मतलब 50-100 शादी घर एक शहर में, तो उन शादी घर को जो बनाया होता है तो उसका मकसद क्या होता है, पर्पस क्या होता है, वो रेंट पे देते हैं जिसको भी चाहिए होता है वो रेंट पे देते हैं टाइम के अनुसार तारीख के अनुसार डेट के अनुसार, तो जिस तरह से हमारे यहाँ ना वो शादी में कोई होटल बुक करना या शादी घर बुक करना ये जो हमारे यहाँ चलता है ठीक इसी तरह से कनाडा में कोई फंक्शन अगर आयोजित की जाती है कुछ भी शादी विवाह एनीथिंग सेलिब्रेशन कोई भी अगर सेलिब्रेशन होता है ना तो वहां के लोग जैसे हम लोग होटल्स और शादी रूम बुक करते हैं वैसे ही वहां के लोग कनाडा के लोग क्या करते हैं याच बुक करते हैं याच क्लब्स बुक करते हैं, मतलब उसमें बोट्स भी शामिल रहेगा उसमें होटल्स भी रहेंगे उसमें बोटिंग भी होगा सेलिंग भी होगा आपके मतलब एक पूरा पैकेज होता है जैसे टूरिज्म में जैसा पैकेज होता है ना कि बैंकॉक का टूरिज्म करना है या आपको लंदन का टूरिज्म करना है तो कैसे पैकेज बना करके देता है कि इतना पैसा लगेगा इतना इतना काम यहाँ से आपको हवाई जहाज से भेजेंगे उसका इतना पैसा वहां पे आपको पिक करेगा होटल तक ले जाएगा उसका इतना पैसा होटल में आप रहिएगा उसका इतना पैसा उसके बाद फिर वापस आपको होटल से एक निश्चित डेट पे एयरपोर्ट ले आएगा उसका इतना पैसा एयरपोर्ट से वापस आप इंडिया आइएगा उसका इतना पैसा सब जोड़ के बता देगा बोलेगा इतना पैसा दीजिए इसके लिए, ऐसे जो हम लोग के यहाँ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना ऑर्गेनाइज किया जाता है हमारे यहाँ वैसे ही कनाडा में बहुत सारी जो सेलिब्रेशन होती है कनाडा में बहुत सारे सेलिब्रेशन जो होते हैं उसके लिए मीटिंग्स के लिए गैदरिंग्स के लिए याच क्लब्स बुक किया जाता है, ये जो याच क्लब वर्ड है ना याच क्लब मैंने आपको दिखाया फोटोज कि उसमें बोट्स भी रहते हैं रहने का जगह है घूमने का जगह है खाने का जगह है गार्डन है सब कुछ है स्विमिंग का जगह है
रॉयल कैनेडियन यैच क्लब का पिक्स मैंने आपको दिखाया कि ये उस क्लब के लिए के मेंबर थे, उसके लिए सेल किया करते थे, मतलब नाव चलाते, यस अगर बड़ा रहेगा तो बोलेंगे शिप चलाते। उसके बाद उनके माता पिता का नाम पता चला था हमें, स्टीफन कुक एंड लिंडा कुक। उसके बाद उनके पढ़ाई के बारे में हमें पता चला था कि वो उन्होंने ग्रेजुएशन किया इंजीनियरिंग में फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर के, और किस यूनिवर्सिटी से किया, क्वींस यूनिवर्सिटी। मैंने आपको क्वींस यूनिवर्सिटी का भी पिक्चर दिखाया हुआ है, ये देखो क्वींस यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी, यहां से इन्होंने ग्रेजुएशन किया इंजीनियरिंग इन फिजिक्स इस क्वींस यूनिवर्सिटी से। और ये यूनिवर्सिटी क्वींस यूनिवर्सिटी कनाडा में, शायद मैं पिछली बार बताते वक्त मैं श्योर नहीं था, बट कनाडा में भी क्वींस यूनिवर्सिटी है, वो ये उसी का, वहीं पढ़े थे वो, ग्रेजुएशन किया था इंजीनियरिंग में उन्होंने फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर। ये पिक्चर भी मैंने आपको दिखाया था, क्वींस यूनिवर्सिटी का पिक्चर हुआ, ठीक है। अब क्वींस यूनिवर्सिटी में वो जब पढ़ाई कर रहे थे अपना, तो उनकी मुलाकात, उनकी दोस्ती, उनकी फ्रेंडशिप एक व्यक्ति से हुई जिसके बारे में यहां लिखा गया है। He also met his 208 ओलंपिक टीम पार्टनर बेन रीमॉकर। क्वींस यूनिवर्सिटी में जब वो पढ़ रहे थे गॉर्डन कुक, उस समय वहां पर उनकी मुलाकात हुई थी बेन रीमॉकर नाम के व्यक्ति से, ये भी कैनेडियन है बेन रीमॉकर, और ये भी सेलर है, सेलर वर्ड में डिस्कस कर चुका हूं, शिप्स बोट्स चलाने वाले लोग, ये भी सेलर है बेन रीमॉकर। और इनसे गॉर्डन कुक की मुलाकात क्वींस यूनिवर्सिटी में हुई थी पढ़ाई के दौरान। आगे चल करके दोनों पार्टनर बन गए थे, गॉर्डन कुक और बेन रीमॉकर, ये दोनों पार्टनर बन गए थे 208 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें, 2008 में, मतलब अभी के हिसाब से 14-15 साल पहले, 2022 में है हम लोग, तो 14-15 साल पहले 2008 में ओलंपिक्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। गॉर्डन कुक ने टीम बनाई थी किसके साथ, बेन रीमॉकर के साथ, और बेन रीमॉकर की मुलाकात गॉर्डन कुक से कहां हुई थी, क्वींस यूनिवर्सिटी में, जहां गॉर्डन कुक क्या कर रहे थे, फिजिक्स में अपना इंजीनियरिंग करके ग्रेजुएशन कर रहे थे। अभी बेन रीमॉकर जो नाम आया है, ठीक है, बेन रीमॉकर, तो एक पिक आपको मैं बेन रीमॉकर का भी दिखाना चाहूंगा, ये है बेन रीमॉकर, ये भी कैनेडियन है, और इन्हीं के साथ मिलकर के गॉर्डन कुक ने 2008 में ओलंपिक्स जो हुआ था उसमें टीम बनाया था बेन रीमॉकर के साथ, वेयर दे वर मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी सेलिंग टीम। ओलंपिक में अपना पार्टनर बनाने के पहले जब वो लोग यूनिवर्सिटी में थी जब पढ़ाई कर रहे थे, तो यूनिवर्सिटी की भी जो टीम थी, कौन सी यूनिवर्सिटी, क्वींस यूनिवर्सिटी, कहां, कनाडा में, पिक्चर मैंने आपको दिखाया,
उस यूनिवर्सिटी में टीम थी सेलिंग टीम, जैसे आप स्कूल्स में देखते हो, अगर आप फुटबॉल टीम बनता है, क्रिकेट टीम बनता है, हमारे यहाँ ऑर्डिनरी मतलब जनरली स्कूल में क्रिकेट टीम्स होते हैं, फुटबॉल टीम्स होते हैं, फिर बैडमिंटन प्लेयर्स होते हैं और कुछ और वॉलीबॉल प्लेयर्स हैं, बास्केटबॉल जनरली प्लेयर्स रहते हैं बास्केटबॉल के। उसी तरह जैसे हम लोग कॉलेज का टीम होता है, फिर स्कूल का टीम होता है, फिर कॉलेज का टीम में आप सेलेक्ट होते हैं, फिर आप जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो यूनिवर्सिटी में भी टीम में आप सेलेक्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे टीमें होती है क्रिकेट और फुटबॉल की, वैसे इनके यहाँ कनाडा में टीम होती है सेलिंग की, सेलिंग टीम। अब ये सेलिंग वर्ड में डिस्कस कर चुका हूं पहले, पर एक बार दोहरा लेता हूं कि सेलिंग का मतलब होता है नाव चलाना, जहाज, पानी जहाज चलाना, इस प्रोसेस को सेलिंग बोलते हैं, और जो ये करता है उसको सेलर बोलते हैं। तो जिस तरह से गॉर्डन कुक सेलर है, उस तरह से बेन रिमॉकर भी सेलर है, और बेन रिमॉकर की पिक मैंने आपको दिखाई, और बेन रिमॉकर से मुलाकात उनकी वही यूनिवर्सिटी में हुई थी, क्वींस यूनिवर्सिटी में, और दोनों ने क्वींस यूनिवर्सिटी में भी टीम बनाया था अपना, और फिर उन्हीं दोनों ने जाकर के 2008 में ओलंपिक में कनाडा का सेलिंग टीम इन दोनों ही ने पार्टनर बने। ठीक है, तो एक ऐसा कॉम्पिटिशन होता है ओलंपिक में सेलिंग का जो फेयर में होता है, जैसे आप टेबल टेनिस का गेम आप समझते हो, एक होता है लॉन टेनिस, एक होता है टेबल टेनिस, बैडमिंटन समझते हो आप, तो बैडमिंटन जो गेम है इसमें ऑप्शंस है ना कि पेयर्स भी हो सकते हैं ओपोनेंट्स, या तो सिंगल भी हो सकते हैं, मतलब बैडमिंटन आप सिंगल सिंगल भी खेलते हैं, बैडमिंटन आप डबल्स में भी खेलते हैं, जब दो प्लेयर एक साथ होता है, दो प्लेयर एक साथ। तो ये जो सेलिंग का टीम होता है ना, सेलिंग का टीम, और इसमें दो पार्टनर्स होते थे, दो लोगों की एक टीम होती जो कंपटीशन में भाग लेती। तो इन्होंने बेन रिमॉकर के साथ सेलिंग यूनिवर्सिटी में सेलिंग टीम में भी इनको अपना पार्टनर बनाया था, और 2008 का जो 2008 का जो ओलंपिक्स हुआ उसमें भी इन्होंने बेन रिमॉकर के साथ पार्टिसिपेट किया था सेलिंग टीम। कुक एंड रिमॉकर बिकेम द फर्स्ट कैनेडियंस टू सेल अ 49 ER इन एन ओलंपिक रिगाटा एट द 2008 बीजिंग ओलंपिक्स। अब 2008 के ओलंपिक्स में जिसमें हमारे ऑथर गॉर्डन कुक एज अ सेलर पार्टिसिपेट किया था, इन टीम बना के बेन रिमॉकर के साथ 2008 के ओलंपिक्स में, तो उसी ओलंपिक्स को थोड़ा और एक्सप्लेन किया जा रहा है कि मतलब किस सेगमेंट में इन लोगों ने कंपीट किया था। मतलब जैसे बहुत सारा सेगमेंट होता है ना, जैसे क्रिकेट को ले लो, तो क्रिकेट में होता है ना टेस्ट मैचेस होते हैं 5-5 दिन के, या वन डेयर्स होते हैं जो 50-50 ओवर के, या 20-20 होते हैं 20-20 ओवर्स के। वैसे ही ये जो सेलिंग का
स्पोर्ट है, नाव चलाने वाला जो स्पोर्ट है, बोट चलाने का या शिप चलाने का स्पोर्ट, इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। तो इन लोगों ने किस कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया था, हाँ वो डिस्कस किया है। यहां पर एक वर्ड दिखेगा 49ER। अब ये वर्ड जो है ये एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में इस वर्ड से शुरू करूंगा, 49ER कौन सा कैटेगरी है और इससे रिलेटेड आगे बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।